गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की बेटी। मुझे बोलने का ढंग बिल्कुल भी नहीं है, आई नो। तो ऐसा कमेंट मत करो ना कि मतलब कि मुझे पता है यार कि मैं ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन क्या है वो सब छोड़ो। मैंने ये देखो, मैंने एक जुगाड़ बनाया है। एक्चुअल में ये मैंने मीशो से साड़ी खरीदी थी, दो था, एक पिंक और एक रेड। तो उसका मैंने बहुत सुंदर सा ना सूट बनाया है, बहुत मस्त। तो उसमें थोड़ा सा ये पिंक वाले में तो पूरा फैब्रिक लग गया था साड़ी, लेकिन ये जो रेड वाला था उसमें थोड़ा सा फैब्रिक बचा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शर्ट बना लेती हूँ, क्योंकि शर्ट ना बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसमें स्लीव भी मैंने हाफ लगाया हुआ है। तो ये इतना फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ था, बाकी थोड़ा सा और बचा था जिसमें मैंने कॉलर और स्लीव निकाला है। तो ये मेरी मतलब कि पूरी फिटिंग का इतना था, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो मैंने उसको कटिंग नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, उसको अंदर से फोल्ड करके सिल देंगे, मतलब क्या इतना छोटा सा कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको शेप दे दिया, एकदम सीधी लकीर खींच लिए, फिर 4 इंच गले का, 4 इंच कंधे का यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि कॉलर जब भी सिलना होता है तो यहाँ पर मैं 3 इंच लगाती हूँ और ऊपर का मतलब कि 1 इंच लगाती हूँ, थोड़ा मतलब कि हल्का सा काला, मतलब वो आप हाफ इंच लगाइए तो बेटर रहता है। और यहाँ पे मैंने स्लीव के लिए 7 इंच लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने हाफ एंड 1 इंच का भी राउंड किया हुआ है ताकि स्लीव में वो दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मैं अपनी फिटिंग के लिए कि आपका चेस्ट, आपका हिप, आपका कमर जितना भी हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। जैसे अगर आपका 8 इंच है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा सिलाई के लिए, या 1.5 इंच लीजिएगा सिलाई के लिए। तो इतना जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थे मैंने उसको कट कर दिया है, और अब मैं इसको जो गला है उसको कट कर रही हूँ, फिर उसके बाद ये स्लीव का पार्ट कट कर रही हूँ। तो मैंने अंदाजे से इसको ऐसे कर लिया, निशान गलती से मतलब नहीं लगा, मैं बता रही हूँ ना तो समझ जाओ। फिर जो ये एक्स्ट्रा था उसको मैंने ये निकाल दिया इस तरीके से। और इसमें भी ना मैंने इनर यूज किया हुआ, क्योंकि ये साड़ी का था तो थोड़ा कॉटन ब्लेंड था, तो इसमें मैंने अस्तर लगाया हुआ है। तो ये देखिए हमारा पार्ट, दो पार्ट में मैं आगे पीछे दोनों साथ में ही कटिंग करती हूँ, अलग अलग नहीं करती हूँ। तो ये पीछे वाला पार्ट जो था ये मैंने निकाल दिया, आगे का जो पार्ट है जो गले के लिए मतलब कि जो कॉलर लगेगा उसका मैंने साइड में कट कर दिया है। अब बीच का भी पार्ट जहाँ पे बटन लगेगा उसको मैंने यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से मेरा मतलब कि तैयार हो गया, मतलब कटिंग मेरी हो गई। ये आगे का मतलब पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। तो इस तरीके से मेरा मतलब कि कटिंग हो गई शर्ट का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इनर का फैब्रिक है उसको मैं इस तरीके से रख के रफली स्टिच कर लूँगी, ताकि मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर भागे ना और अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको, आप चाहे तो पलट भी सकते हो, लेकिन मैंने पलटा नहीं यहाँ पे। और ये इस तरीके से यहाँ पे मैं रफली स्टिच कर दूंगी, जितना भी फैब्रिक है उसको अच्छे से बिठा लूंगी। अब यहाँ पे मैंने रफली स्टिच करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थे उसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ की कैसे इसकी स्टिच करनी है। तो उसके पहले यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो उसमें का साड़ी का जो लेस था, इसे जो ऐसा पतला सा बॉर्डर था, तो मैंने उसी का ना ये बटन पट्टी और काज पट्टी बना लिया है। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि फैब्रिक उतना नहीं था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऐसा काम करती हूँ कि वो ये ना लगे कि कपड़े को रीयूज करने की कोशिश की गई, वो सो ना हो। यहाँ पे मैंने, अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पट्टी बनानी है। तो ये बटन वाली फट्टी है, तो बटन वाली फट्टी को एक्स्ट्रा अलग से निकाल के नहीं काटा जाता है, मतलब सिला जाता है, उसको उसी में रख के सिला जाता है। तो इस तरीके से आप अगर आप सिल लीजिए, तो यहाँ पे ना आपके पास अगर कोई और भी मैचिंग का हो तो वो भी लगा सकते हैं, स्लीव और कॉलर ये सब मतलब मैचिंग करके, जितना भी आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से सिल के, अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब क्लीन आए इसलिए मैं मतलब हर एक जगह मशीन चला रही हूँ, ताकि थोड़ा सा एकदम प्रोफेशनल लगे, बहुत ही अच्छा लुक है। अब ये इस तरीके से सिल गया ना, अब इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके हम लोग एक मशीन और चला देंगे, तो इसमें बटन बनेगा, बटन लगेगा। मतलब कि आप फैब्रिक का भी बटन यूज कर सकते हो, या फिर हुक भी यूज कर सकते हो, जो एक टिप टैप वाली बटन आती है, हिंदी में बोले तो चुटपटिया वाली जो बटन होती है, उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा बन गया है। अब ये बन गया, अब इधर का दूसरे वाला पार्ट का मैं बताऊंगी कि कैसे बनता है। तो ये इस तरीके से लगाना पड़ता है, उधर से जो बटन वाला रहता है वो ऊपर से लगता है एक्स्ट्रा कपड़ा, और जो काज वाली रहती है वो इधर से लगती है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको जो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें थोड़ा सा सफाई आए, क्योंकि ये मतलब मेन फ्रंट रहता है तो थोड़ा सा गंदा नहीं लगे, तो वो सही रहता है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से सिलाई कर लीजिए तो सही रहता है। और पता है मैं ये सोच रही थी कि चलो क्यों ना कुछ यूनिक किया जाए, मतलब आप बताओ कि आपको कौन सा ड्रेस चाहिए, या फिर आप बताओ कि कैसी साड़ी है, कैसे का कितना फैब्रिक बचा है आपके पास, आपको उसे रीयूज करना है तो मैं उसे बताऊंगी कि उसको किस तरीके से करना है।
तो मतलब इसमें आइडिया भी बहुत अच्छा लगेगा दोनों का, मतलब कि अच्छा रहेगा कि मेरा एक वीडियो बन जाएगा, नई चीज़ें लोग और सीखेंगे, दूसरे लोगों का ये फ़ायदा, आपका ये फ़ायदा रहेगा कि आप भी एक जो भी आपके पास फैब्रिक है उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। और लाइक नहीं करते आप लोग, मतलब लाइक किया करो यार, कोई आप ही सुनो कोई कहे क्या ही लाइक किया, कितना अच्छा लगता है ना, दिल खुश हो जाता है। तो मेरी वीडियो भी कोई लाइक करते ना तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। और ये इस तरीके से हम लोग का तैयार हो गया जो बटन और काज पट्टी का। अब यहाँ पे मैं शोल्डर जोड़ने जा रही हूँ। शोल्डर आपको इस तरीके से जोड़ना है, और शोल्डर जब भी आप ज्वाइन किया कीजिए किसी भी कोई भी कपड़ा कोई भी ड्रेस आप बना रहे हो तो उसमें दो बार जरूर मशीन चलाया कीजिए, क्योंकि शोल्डर ना वो मेन पार्ट होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब दबाव पड़ता है तो एक सिलाई नहीं सही रहता है। वैसे भी हर एक जगह दो सिलाई बेटर होती है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं तीन चार सिलाई चला दो, नहीं, दो सिलाई इस तरीके से शोल्डर को सिल दीजिए ऊपर से कि वो बैठा रहता है, एकदम अच्छे से रहता है कि आप इसके बाद इसको बनाने के एक बार इसी कर दीजिएगा एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें स्लीव लगाना है, कॉलर लगाना है, तो स्लीव के लिए मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो जितना भी मेरे पास फैब्रिक इतना था तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाह रही थी, तो फैब्रिक स्लीव, लेकिन उतना फैब्रिक था नहीं तो मैंने सोचा चलो छोटा सा ही बना के उसके ऊपर जो ये लेस है जो बॉर्डर निकला था साड़ी का किनारा निकला था मैंने उसको लगा दिया था। तो वो बहुत ही अच्छा सा मतलब साइज एकदम सही था, मैंने सोचा कहीं साइज मतलब बहुत छोटी ना हो लेकिन अच्छा लग रहा था, क्योंकि शर्ट वगैरह में बहुत छोटी स्लीव नहीं अच्छी लगी, या फिर आप स्लीव लेस ही पहनो डायरेक्टली तो वो बेटर रहता। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सिल दिया था तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था, ये इस तरीके से मैं सिल रही हूँ। तो दिमाग ऐसा लगाया करो आप लोग भी कि, और मुझे बताना कि इसमें कौन सी कमी लगी है, क्योंकि एक दूसरे से लोग बताएंगे तभी कमी पता चलती है। मुझे पता है आई एम द बेस्ट, मजाक कर रही थी। और फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको सिल के फिर ये अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करके आपको ये इस तरीके से सिल देना है। लेकिन पता है ये जब भी आप सिला कीजिए ना इस एक्स्ट्रा फैब्रिक, क्योंकि ये नीचे बढ़ रहा है तो ज़्यादा खींचिएगा नहीं, नहीं तो ना वो लूज़ आ जाता है, आपको फिर चुन्नट डालना पड़ेगा, तो चुन्नट डालोगे तो अनप्रोफेशनल लगेगा, वो लग जाएगा कि कपड़ा थोड़ा सा मतलब बचाया गया है तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिल देना। तो मैंने दोनों सिला था लेकिन एक ही आपको वीडियो दिखा, क्योंकि वीडियो वैसे भी इतनी लंबी बन जाती है तो आप लोग कहोगे इतनी बड़ी वीडियो कौन देखता है, आप नहीं कहोगे लेकिन कुछ लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने नीचे भी सिल दिया है ताकि थोड़ा सा फैब्रिक इधर उधर ना हो, मतलब मैं मशीन ना चलाने में कंजूसी नहीं करती, जहाँ भी जरूरत थोड़ा भी लगना चला देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा दोनों स्लीव तैयार हो गया है। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करना है मुझे। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले आप मेजरमेंट कर लीजिएगा कि कितना एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कीजिए या फिर हल्का सा कट लगा लीजिए कीजिए, और या फिर आप मार्क कर लीजिएगा चॉक से मार्कर से जिससे भी आपको सुविधा हो, या पिनअप कर लीजिएगी तो सही रहता है। ये इस तरीके से मैं स्लीव को लगा रही हूँ। और वैसे मुझे बताइए कि जितना अब तक मैंने वीडियो अपलोड किया है आपको कौन सा अच्छा लगा है, और शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड किया करूँ कि नहीं, कि सिर्फ लॉन्ग, ये भी बताया कीजिए। और थोड़ा सा बातचीत किया करिए, मन हल्का हो जाता है, इतनी बड़ी दुनिया में अकेला अकेला क्यों फील करना, थोड़ा सा बात किया 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 कीजिएगा उस कमेंट सेक्शन में, मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, चार लोग को भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं कुछ ज़्यादा ही बकायती नहीं कर रही हूँ, मैं बकबक बहुत करती हूँ। अब यहाँ पे मैं मतलब मैं सोच रही हूँ जब तक सिल रही हूँ तब तक बात ही कर लूँ। अब यहाँ पे इसके बाद फिर ऊपर से मैं यहाँ पे इस तरीके से सिल रही हूँ। और लेकिन आप ध्यान दीजिए कि मैं ऊपर से सिलती हूँ तो जो पीछे का फैब्रिक रहता है वो किस साइड रहता है, वो देखिए उधर से नहीं दिख रहा है, इधर से मैं चलाई हूँ ताकि एकदम क्लीन दिखे। अब ये हमारा स्लीव लग गया है। अब मुझे यहाँ पे कॉलर लगाना है, तो कॉलर में मैंने यहाँ पे इनर भी लगाया क्योंकि फैब्रिक बहुत पतला था, वो तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने फोल्ड किया और फिर ये इसको कॉलर लगाया। तो कॉलर मतलब कैसे बकरम रहता है तो उसको नाप को नाप कर आपको थोड़ा सा इस तरह से हाफ राउंड देना हो या फिर डायरेक्ट चकोर देना हो तो वो सब बनता है। तो इस तरीके से देखिए ये मेरा बन गया है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से मैं सिलाई कर दूंगी ताकि ये मतलब कि ज्वाइंट हो जाए, जो दोनों फैब्रिक है वो ज्वाइंट हो जाए। और अगर एक बकरम आता है वो जो चिपकता नहीं है तो उसमें आपको ऊपर से मशीन चलानी पड़ती है तो वो सही नहीं रहता। कॉलर वाले में आप कोशिश कीजिए चिपकाने वाला ही लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसको कट करके इस तरीके से निकाल दिया है। और यहाँ पे इस तरीके से मैं फोल्ड करके इसको मतलब सीधा कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे पता कुछ लोग रहते हैं कि इसके ऊपर डायरेक्टली पहले एक मशीन चला के तब डायरेक्ट कॉलम लगाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट मतलब इसको कॉलम लगा के उसके ऊपर से ही मैं फैब्रिक मतलब रख के तब फिर मशीन चलाती हूँ तो वो पूरा पैक हो जाता है, तो वो मतलब उसी में ज्वाइन लगता है तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो लेकिन हाँ, कॉलर जब भी लगा के नाप एकदम परफेक्ट रखा कीजिए, नहीं तो बहुत छोटा बड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता कि एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, वो नहीं सही रहता है। तो उसको आप बीच बीच में ध्यान देते रहेगा कि छोटा पड़ा कि बड़ा पड़ा, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा खींचाव कम ज़्यादा करते रहिएगा। वैसे भी आप स्टार्टिंग में एकदम ना परफेक्ट लिए रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब ये इस तरीके से मैं सिल के इसको अच्छे से पैक कर दे रही हूँ। और कॉल पता है जब ये कॉलर लगता है, जब ये ऊपर वाला मैं सिलती हूँ तो पता नहीं क्यों किस तरीके से अजीब अजीब से खुशी महसूस होती है कि ये परफेक्ट कॉलर बन गया। वैसे कॉलर का कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है कॉलर का कपड़ा हो और स्लीवलेस हो, बूंद या राउंड या स्क्वायर ऐसे कटिंग हो, वो बहुत मस्त लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैंने बताया था बहुत ब्लाउज वगैरह इस तरीके से बनाया था, कुर्ती सूट ये सब बहुत बनाया, तो सोच रही हूँ कि कुछ फिर से बनाऊँ जो आप लोग को अपलोड करूँ, मतलब वो सूट नहीं किया था। इस तरीके से अब ये देखिए मशीन मैंने चला दिया, जो मैंने बोला था कि कुछ लोग पहले ही इसको चला देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा कॉलर तैयार हो गया। अब पारी आती है कि इसकी जो फिटिंग की पारी आती है और नीचे सिलाई की पारी आती है। तो यहाँ पे मैं फिटिंग इसको कर रही हूँ, तो मैं जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कटिंग नहीं करते, बाद में कटिंग कर देते हैं।
क्योंकि मुझे ये था ना, एक्चुअल में मेन रीज़न ये थी कि ये कॉटन की साड़ी थी, तो मैंने मतलब मैं राज बता रही हूँ कि कॉटन की साड़ी थी, तो मुझे लगा क्योंकि ये धुली हुई नहीं है, तो मुझे लगा कि कहीं ये धुलने में थोड़ा सा मतलब ख़राब वो सिकुड़ जाए, तो साइज़ छोटी ना हो जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इस तरह से फिटिंग करते हैं, पहनते हैं, फिर धोते हैं, फिर उसके बाद अगर मतलब टाइट होता है तो उसको मैं लूज़ कर लूँगी। तो मेन रीज़न यही था। अब यहाँ पर नीचे भी मैं जो था उसको भी अच्छे से ये इनर पकड़ के इसको अच्छे से मशीन चला दे रही हूँ और ये बन के तैयार हो गया। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर तो कंपलसरी है, मतलब करा करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मतलब सब्सक्राइब तो कर, मतलब और कुछ करो ना करो, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना, चाहे शेयर करो चाहे ना करो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी और भी वीडियो आप देख लीजिएगा, थंबल लगा दिया है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।